कनाडा तो आके 10 साल हो गया अभी. सो ये 10 साल में स्टूडेंट से लेके आईटी जॉब कर दिया, उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग शुरू किया. मैं भी सादा सीधा फार्मर्स सन है, बहुत छोटी विलेज से आया, स्टडी परमिट में यहाँ पे आया. लेकिन यू नो मेरे बाप के पास वहाँ पे वो टाइम पे पैसे नहीं था, सारे बोरोड मनी को ऊपर यहाँ पे आया. प्रोफेशनल जॉब आना बहुत मुश्किल था. मैंने बहुत सारे हार्ड वर्क, हार्ड काम, लेबर जॉब्स बहुत सारे किया, लाइक यू नो क्लीनिंग टॉयलेट्स, डिशेस, क्लीनिंग डिशेस इन रेस्टोरेंट. मेरे फीस के लिए वो सारे पैसा बोरो करके आया यहाँ पे. वो पे करने के लिए मेरे को 3-4 साल लगा. मेरे को बहुत सारा डर लगना शुरू हुआ क्योंकि मेरे बाप के साथ पैसे नहीं है. नमस्कार दोस्तों, सो मेरा नाम आदित्य सोमा है. बहुत दिन से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पूछा भाई थोड़ा हिंदी में वीडियोस करो. सो पहले मेरे को माफ़ी कर लो क्योंकि मेरे हिंदी उतना यू नो फ्लुएंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जरूर. सो पहले वीडियो है ना, सो मेरे स्टोरी से शुरू करेंगे. मैंने कनाडा आके 10 साल हो गया अभी. सो ये 10 साल में स्टूडेंट से लेके आईटी जॉब कर दिया, उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग शुरू किया और रियल एस्टेट सेल्स कर रहा है अभी. सो ये सारे जर्नी का थोड़ा यू नो डिटेल्स बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कनाडा को आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे. सो जो लोगों को ये इंस्पिरेशन हो सकते क्योंकि यू नो मैं भी सादा सीधा फार्मर्स सन है. सो बहुत छोटी विलेज से आया, हैदराबाद के पास में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़कल विलेज बोल के है, तेलंगाना स्टेट. सो तेलुगु बंदा. मेरे माँ मामा और बाप दोनों फार्मर्स, सो दोनों एग्रीकल्चर करते हैं अभी भी. फिर भी हमको फार्म्स है. सो बहुत छोटी गांव से आया. मेरे बीटेक 2012 में हो गया वहाँ पे हैदराबाद में. होने के बाद लाइक सारे मेरे 2-3 दोस्त है, वो लोग बोला हम चलो कनाडा जाएंगे. चल ठीक है कनाडा जाएंगे जाए बोल के तब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया. भगवान का इच्छा वीज़ा आ गया, मेरे को आ गया, दूसरे दोस्तों को किसको भी नहीं आया. सो खाली मैं ही कनाडा में है अभी. स्टडी परमिट में यहाँ पे आया, लेकिन यू नो मेरे बाप के पास वहाँ पे वो टाइम पे पैसे नहीं था. लेकिन मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा लोग है, बहुत अच्छा बंदा है, वो सारे लोग हेल्प किया. 2% एक महीने का इंटरेस्ट लेके हमको पैसे दिया. सो सारे बोरोड मनी को ऊपर यहाँ पे आया. सो यहाँ पे पढ़ाई मैंने सारनिया में किया. सो सारनिया में आईटी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स लिया. सो वो था 2 साल का कोर्स, लेकिन मैंने एक साल में किया. उसका बाद सेकेंड ईयर का साल मेरे वो कोर्स को मैंने छोड़ के और एक छोटा कोर्स था गैप कोर्स बोल के नायग्रा में. सो वो कोर्स लिया क्योंकि बहुत सारे लोग वो टाइम पे बोला लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 ईयर्स आप ये 1 साल का कोर्स लिए कर दिए तो और एक गैस कोर्स कर दिए तो 3 साल वर्क परमिट आ जाएगा. सो मैं भी वैसे ही किया क्योंकि मेरे को उतना पढ़ने के शौक़ नहीं था एंड वो आईटी मेरे को इतना शौक़ भी नहीं था. सो बहुत सारे डिफ़िकल्ट था वो टाइम पे. मैंने सारनिया में है ना कॉलेज, सारनिया में कुछ काम नहीं है, नो पार्ट टाइम जॉब्स. सो बहुत डिफ़िकल्ट था. सो उसलिए मैंने नायग्रा में कॉलेज लिया एंड टोरंटो आ गया. सो वो गैस कोर्स था 4 महीने. 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया. उसका बाद वो टाइम पे प्रोफेशनल जॉब आना बहुत मुश्किल था. सो मैंने बहुत सारे हार्ड वर्क, हार्ड काम, लेबर जॉब्स बहुत सारे किया, लाइक यू नो क्लीनिंग टॉयलेट्स, डिशेस, क्लीनिंग डिशेस इन रेस्टोरेंट. फैक्ट्री में भी काम किया, लाइक यू नो ई वेस्ट कंपनी में ई वेस्ट सारे को इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसमेल निकालना है. बहुत गंदा था, लाइक यू नो एंड ऑफ द डे घर आने के बाद लाइक नाना लिए तो सारे काला, लाइक पानी काला हो जाता क्योंकि बहुत सारे गंदा था फैक्ट्री में. सो इट वॉज वेरी हार्ड जॉब्स, बट अगेन यू नो वो टाइम पे करना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव. सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू.
एंड उसके बाद मेरे को दो तीन सीनियर बंदे बोला लाइक यू नो डोंट गेट स्टक इन दिस पार्ट टाइम जॉब. सो आई टुक देयर एडवाइस. पढ़ाई होने के बाद इमीडिएटली मैंने एक आईटी कंसल्टिंग का कंसल्टेंसी में ज्वाइन किया. सो वो लोग तीन महीने कोर्स सिखा दिया. उसके बाद जॉब्स अप्लाई करने के लिए सारे प्रोसेस हेल्प किया. वहाँ पे टोरंटो में बहुत सारे कंसल्टेंसीज है जैसे वाला. सो देल हेल्प यू विद रिज्यूमे, देल हेल्प यू यू नो इंटरव्यूज कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ ले वो लोग, यू नो कैसा आंसर करना है, क्योंकि इंडियन जॉब मार्केट अलग है, यहाँ पे अलग है. सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड 6 महीने बहुत बहुत मेहनत किया. उसके बाद विंजर में आया जॉब. सो आईटी जॉब एज ए .NET डेवलपर. सो पहले कॉन्ट्रैक्ट जॉब से कॉन्ट्रैक्ट्स में शुरू किया. लाइक कोई फुल टाइम जॉब नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट लाइक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. सो कॉन्ट्रैक्ट में शुरू किया. बहुत बहुत मेहनत किया वो 2 साल में, क्योंकि इट वाज टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट. एंड 2 साल बहुत मेहनत करके मेरे वो जो स्टडी टाइम पे मैंने मेरे बाप मामा लोगों के साथ पैसा लिया ना, वो सारे पे करना हो गया 2 साल में. सो वही टाइम में ऑलमोस्ट मेरे दीदी का शादी कंफर्म हो गया. इट्स 1 ईयर डाउन द रोड. सो तब मेरे को बहुत डरना लगा, क्योंकि मैंने खाली 20 लाख मेरे फीस के लिए वो सारे पैसा बोरो करके आया यहाँ पे. वो पे करने के लिए मेरे को 3-4 साल लगा. सो इट्स ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स टू पे ऑफ दोज डेब्ट्स. एंड अभी मेरे सिस्टर का शादी के लिए और एक 25 लाख चाहिए. 25 बोले तो 50, आई थिंक सो. सो 50 लाख्स. सो उतना सारे पैसे कहाँ से लाया, वो मेरे को बहुत सारा डर लगना शुरू किया, क्योंकि मेरे बाप के साथ पैसे नहीं है. खाली वो उसके पास 2-3 एकड़ का लैंड है, लेकिन वो उसका खाने पीने के लिए. सो आई डिडंट वांट देम टू सेल दैट. सो वो टाइम पे मैंने शुरू किया लाइक क्या करना है. अलग अलग ड्राइव ऊबर ड्राइविंग करता था, फूड डिलीवरी करता था. मैंने ई कॉमर्स भी शुरू किया लाइक ऑनलाइन शॉप में ट्राई किया. लेकिन सारे काम कैसे है ना, एक आईटी जॉब होने के बाद दूसरे टाइम पे करना है. एंड वो टाइम पे हावरली वेज, वो हावर में $10-15 मिलना था. सो वो मेरे को लगा लाइक दिस इज नॉट एनफ टू गिव द लाइफ दैट आई वॉन्ट. ऑलवेज आई वॉन्ट गो बैक होम, बी देयर फॉर 3-4 मंथ्स एंड यहाँ पे दूसरे टाइम पे वर्क करना है, कमाई करना है. सो दूसरे टाइम पे इंडिया में होना है, इंडिया में चिल करना है. सो वो करने का ये जॉब और ये इनकम बस नहीं है. सो तब somehow I found a book called Rich Dad Poor Dad. वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. सो लिटरली एक कमर्शियल ब्रेक लेके उसके बाद तो दूसरा स्टोरी बता दूंगा. यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में आया मेरा फेवरेट कॉफी. हाय. तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली ड्राइव थ्रू में कार में गाड़ी में बैठ के ले सकता है. आई थिंक आजकल बड़ा बड़ा सिटीज में इंडिया में भी आ रहा है. सो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता. सो ये वहाँ पे ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे कॉफ़ी लेना है. वो विंडो पे कॉफ़ी दे देता पैसा पे करके. नो थैंक यू. Which one is straight? Black. Thank you, you too. That's it. My coffee mil gaya. Chala, back to story. So, somehow maine ye book recommend aaya mere ko. Koi ek young banda recommend kiya. Wo book ka naam hai Rich Dad Poor Dad. So, aap abhi tak wo book ka naam nahi sune to, mera strong recommendation hai, jaake khareed kar lo, padhai karo. लेकिन यू नो मेरे स्टोरी वहाँ पे फिर शुरू हो गया, क्योंकि वो बुक में वो रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर है, वो बोलते हैं रिच पीपल टीच देयर किड्स टू बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज, पुअर डैड टीचेस लाइक यू नो टू नॉट रियली टू बिल्ड एसेट्स.
क्योंकि उसको पता नहीं है. सो उसका मेरे को मेरे लेसन वो बुक से लिया, मैंने लेसन लिया ये है, यू हैव टू बाय एसेट्स, यू हैव टू स्टॉप बाइंग लायबिलिटीज. सो उसका मतलब था रियल एस्टेट, जो भी एसेट्स हमको पैसा देता है, नहीं लेता है. जो फेरारी कार है वो लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा लेता है हर महीने पेट्रोल भराना है, उसको मेंटेनेंस करना है, वो सब जैसा. इवन प्राइमरी होम हमारा घर वो भी एसेट नहीं है. बहुत सारे यू नो हमारा मेरे बाप भी मेरे को बोला वो घर एसेट है, लेकिन मैं भी ऐसे ही सोचा अनटिल ये बुक पढ़ाई करने तक. सो क्यों उसका एक्सप्लेनेशन ये है था, घर आप वहाँ पे रहते तो आपको कुछ इनकम नहीं मिल रहा है, खाली उसको मेंटेन करने के लिए आप हर महीने उसको लोन पे करना है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस पे, सारे एक्सपेंसेस है, आपको इनकम कुछ नहीं है. सो ऐसा इनकम नहीं है तो वो लायबिलिटी है. सो इनकम है तो वो एसेट है. सो इसमें वो बोलता है रेंटल प्रॉपर्टीज और द एसेट्स इन नॉर्थ अमेरिका. सो जब मैंने और एक बार गूगल सर्च मार दिया हाउ टू इन्वेस्ट इन रेंटल प्रॉपर्टीज इन कैनेडा, तब और एक बुक रिकमेंडेशन आया इन्वेस्टिंग इन रेंटल प्रॉपर्टीज इन नॉर्थ अमेरिका बाय ब्रैंडन टर्नर. बहुत सारे अच्छी बुक था. सो वो बोलता है लाइक यू नो यू कैन बाय एन लाइक अ $500,000 हाउस फॉर 5% डाउन. सो दैट मीन्स लाइक दो तीन करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे खाली 5% का कैश से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स लोन देने के रेडी में है. सो दैट्स लाइक वाओ, इज इट पॉसिबल? क्योंकि मैंने यू नो बैक होम सारे ट्रांजैक्शंस कैश से होते हैं, क्या वहाँ पे लोन उतना यू नो आसान नहीं है. एटलीस्ट पीपल हु आर वर्किंग इन आईटीज, वो जो लोग लोन्स लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटे गाँव से है एंड मेरे बाप हर बार उसको जो भी एसेट्स है वो पैसे से लिया. सो या वहाँ पे लोन का ऑप्शन उतना कम नहीं था. सो मेरे को बहुत सरप्राइज लगा और वो यार ऑल आई नीड इज़ $20,000 और $15,000-$10,000. सो तब मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक थोड़ा हेल्प लेके लोकल एजेंट का हेल्प लिया, मेरे एक वो दोस्त बन गया एंड उसका नाम था कैसिडी. सो शी बिकेम माई एजेंट एंड यू नो गुड फ्रेंड एंड यू नो मेंटर. सो वो शुरू कर दिया लाइक यू नो शी ऑलरेडी ओन्ड लाइक 5-6 प्रॉपर्टी वो टाइम पे 2017 में. सो मैंने पहले प्रॉपर्टी उसके साथ उसका हेल्प के साथ लिया, वो था लाइक यू नो 2 units. एक यूनिट लाइक यू नो डुप्लेक्स बोलते हैं ना हम इंडिया में, डुप्लेक्स बोले तो अंदर से स्टेयर्स रहता है, लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स बोले तो 2 units है, 2 legal units. एक यूनिट में मैं रहता था और एक यूनिट को रेंट कर दिया. सो वो रेंट जो रेंटल यूनिट है ना वो उसका इनकम मेरे को सारे एक्सपेंसेस पे करता था, मेरे लोन, मेरा इंश्योरेंस, टैक्स. सो वो बन गया एसेट. सो एंड मैं वहाँ पे फ्री में रहता था. सो दिस वाज इन 2017 एंड प्राइस घर का प्राइस था $102,000. सो इंडियन करेंसी में 50 lakhs, आसपास में 50 lakhs. लेकिन मेरे डाउन पेमेंट मेरे पास मेरे से कैश वो जो मेरे पॉकेट में से बराए दिया वो है अप्रॉक्सीमेटली $8,000. सो 4 lakh खाली 4 lakh मेरे पास है, दूसरे पूरा बैंक का है. सो सारे बैंक को लीवरेज करके मैंने ये प्रॉपर्टी कर दिया. सो तब मेरे को लगा लाइक मैन यहाँ पे बहुत सारे बड़ा एक्सपेंस है रेंट. सो एक बेडरूम का यूनिट को रेंट करना बोले तो वो टाइम पे था एटलीस्ट $800,000. सो ₹50,000 खाली किराए करने के लिए रहने के लिए जा रहे हैं. सो तब मेरे को आई ओपनिंग हो गया, ओ मैन बाप रे बाप कितना बेनिफिट है यहाँ पे एसेट्स लेने हैं. सो तब मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स यहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स बोल के लाइक रियल एस्टेट में जो लोग प्रॉपर्टीज खरीद करते हैं ना वो लोग मंथली मीटअप्स करके वहाँ पे जाके यू नो गले मिलना है,
चाय पीना है, एक दूसरे से सिखा लेते, सो दे लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, गोइंग टू लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स इन विंजर, लंडन, टोरंटो. सो मैंने सीखना शुरू कर दिया. तब तक भी मेरे को मेरे सिस्टर का शादी का बारे में बोला ना पहले, सो वो 2018 में स्केड्यूल हो गया. सो ये 2017 में है. सो अभी मेरे को चाहिए ऑलमोस्ट 50 लाख वो शादी के लिए. वो हमारा रिचुअल्स है, यू नो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू नो मेरा बाप बहुत सारे कम मेहनत किया. ही वर्क इन सो मेनी लेबर जॉब्स, हार्ड वर्किंग, लाइक ही वॉज इन दुबई लाइक डूइंग सम रियली हार्ड वर्क फॉर ईयर्स एंड आई नेवर सॉ हिम. सो ऑल दिस लाइक यू नो एंड एंड ही नेवर, ही ऑलवेज मेड श्योर मी एंड माई सिस्टर वी वेंट टू स्कूल, वी गॉट एजुकेशन. वो सारे बहुत सारे मेहनत किया हमारा पढ़ाई के लिए, हमारा ब्राइट फ्यूचर के लिए. सो अभी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हेल्प करना है. सो दैट्स वाई लाइक नाउ ये 100,000 चाहिए मेरे को, $100,000, 50 लाख चाहिए एक साल में. सो तब मैंने पहले घर मैंने लिया ना, वो मेरे को बस नहीं होता, क्योंकि इसमें से खाली मेरे को $1,000 बच रहे हैं और एडिशनल $200 ऐसा कुछ प्रॉफिट मिल रहा है. सो विच इज़ नॉट एनफ, सेविंग्स एनफ नहीं है. सो मैंने और प्रॉपर्टीज लेना शुरू किया, सेकेंड प्रॉपर्टी दोस्तों के साथ पैसा बोरो करके और एक प्रॉपर्टी लिया. उसका बाद दूसरे दोस्त वो बोला लाइक यू नो आई गिव यू मनी, आप सारे काम कर दो, आपको इतना परसेंट प्रॉफिट दे दूंगा एंड दूसरा प्रॉफिट मेरे को. सो ऐसा उसके साथ और दो प्रॉपर्टीज लिया. सो ये है 2018. अभी 2018 मार्च अप्रैल टाइम में मेरे पास सारे चार प्रॉपर्टी था. सो वो चार अच्छा चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ का प्राइस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू हो गया. सो लेकिन अभी शादी हो गया लाइक 2018 मार्च में मेरे सिस्टर का और मेरा शादी हो गया. सो अभी मैंने ऑलमोस्ट $100,000 डेब्ट में हो गया लाइक. सो नाउ आई डोंट हैव एनी मोर मनी, क्योंकि वो वही टाइम पे और एक प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, उसको भी मेरे को नुकसान हुआ लाइक $50,000. सो वो $50,000 ये $100,000 मेरे को बहुत प्रेशर बिल्डअप होने शुरू हो गया. सो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया रियल एस्टेट लाइसेंस लेने के लिए. सो मैंने रियल एस्टेट लेने के लिए शुरू कर दिया और मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया ना 2017 में. सो उसको बेच दिया. सो उसमें से 75,000 ऐसा प्रॉफिट आया आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस. सो मैंने इन्वेस्ट किया $8,000, मेरा प्रॉफिट था $75,000. सो ऑलमोस्ट मेरे को 1000% रिटर्न आया. आई वॉज लाइक मैन दिस इज़ लाइक क्रेजी, रियल इस्टेट इज़ फैंटास्टिक इन कैनेडा, लेकिन बहुत पैसे चाहिए. सो नाउ आई वांट टू मेक मोर मनी. सो ये सेल्स लाइसेंस लेने के शुरू कर दिया ना. सो मैंने बोला ओके शुरू कर दिया अच्छा है, लेकिन कैसा करना है, क्योंकि मेरे को कोई पता नहीं है. यहाँ पे मैं आईटी जॉब करता था एंड गुड थिंग इज़ मैंने चार प्रॉपर्टी लिया ना, तो वो एजुकेशन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी यूज़फुल हो गया. लेकिन कितना लोग मेरे को पता है यहाँ पे वो ट्रस्ट करने वाला है मेरे साथ, यू नो प्रॉपर्टीज खरीद करने वाला. सो क्योंकि सेल्स बोले तो यू नीड टू नो लॉट ऑफ पीपल, यू नीड टू नो पीपल हु कैन ट्रस्ट यू टू बाई दोज प्रॉपर्टीज फ्रॉम यू और टू हेल्प टू गेट द हेल्प फ्रॉम यू टू सेल देयर प्रॉपर्टी. सो वो बहुत बड़ा स्टेप है वो सब लोगों का जिंदगी में. सो ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था. सो वो टाइम पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, एक बंदा बोल रहा है लाइक यू नो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब वीडियोस, पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन यू नो जस्ट विद दिस हेल्प आई मेड 100,000 इन माय फर्स्ट ईयर एज अ रियल एस्टेट एजेंट. सो दैट वाज लाइक ओ हैक या आई एम गोना डू दिस. सो वही टाइम पे ये यूट्यूब शुरू कर दिया. सो अगेन मेरे को लाइसेंस मिला 2019 जनवरी 31st में. वही दिन में मैंने रिजिग्नेशन लेटर दे दिया. वो बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि यू नो मेरे पास पैसे नहीं है. ऑलमोस्ट आई हैड लाइक $150,000-$160,000 डेब्ट. पहले प्रॉपर्टी बेच दिया. सो वो माइनस लाइक 75,000 माइनस करके और लाइक आई वॉज स्टिल डेब्ट लाइक 80,000-100,000.
सो आई वॉज स्टिल इन डेप्ट एंड वो टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दिया. सो इट वॉज लाइक बिग फाइनेंशियल स्टेप. लेकिन बहुत मेहनत किया, बहुत लाइक इट्स आई यूज टू वर्क फॉर लाइक 15 आवर्स. पहले साल में मैंने 55 फैमिलीज को हेल्प किया, 55 प्रॉपर्टीज सोल्ड किया लाइक एज अ रियल्टर. सो वो जो कमीशन मिला वो 55 प्रॉपर्टीज सेल करने में वो कमीशन है 300,000 प्लस बिफोर टैक्सेस. सो आफ्टर टैक्सेस मेरे सारे डेब्ट्स चले गया. सो आई पेड ऑल माई डेब्ट्स इन वन ईयर. सो इतना पावरफुल था रियल एस्टेट मेरे लाइफ में. अगेन यू नो इट्स वो आसानी नहीं था लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट. लाइक आई टुक दैट रिस्क क्योंकि जिंदगी में हम रिस्क नहीं लिए तो कुछ नहीं मिलता. सो यू नीड टू लर्न, यू नीड रिस्क. सो दैट्स वॉट मैंने किया. एंड अभी 3 साल हो गया रियल एस्टेट में होके, यू नो एज ए सेल्स पर्सन. अभी मेरे को एक टीम है, मेरे साथ और एक और 5 एजेंट्स काम करते हैं और 4 असिस्टेंट्स भी है. लाइक यू नो वो सारे लोग पेपर वर्क करना है, कॉल्स लेना है, वो सारे. अभी मैंने टीम भी बिल्ड किया. सो लास्ट साल में मिलियन, भगवान का इच्छा, आई मेड ओवर $1 million. सो $1 million को ऊपर इनकम मिला. अगेन ग्रोस इनकम, टैक्स का बाद एटलीस्ट 500,000 तो हो जाएगा. सो ये आसान से नहीं होता लेकिन यू नो वी बीइंग एन इमिग्रेंट टू दिस कंट्री, यहाँ पे सारे अपॉर्चुनिटीज है लेकिन हम मेहनत करना पड़ेगा. वी हैव टू लर्न, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू बी जेन्यून, हम्बल एंड ऑनेस्ट विद अदर पीपल. सो द मोर हार्ड वर्क यू मेक एंड द मोर ऑनेस्ट यू आर, द बेटर रिजल्ट यू विल सी. So that's my story. Hope it's, you know, helpful for you. And again, I'll end with this one. Like finally, I continued to invest. Maine invest karna bhi simultaneously karta tha. Like ye last 3 saal mein, abhi mere ko at least 12-13 properties hai, 44 doors hai sir. Again, ye mere liye brag karne ke liye nahi bol rahe. Khali main mere genuine hope hai, you know, jo bande log, you know, mere jaisa इंडिया से यहाँ पे आए स्टूडेंट वीज़ा में काम कर रहे हैं यहाँ पे. सो डोंट लूज द होप, देर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू. जस्ट डू वॉट यू लव टू डू, कीप लर्निंग, कीप टेकिंग रिस्क. द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिवॉर्ड यू गेन एंड ऑफकोर्स द मोर हार्ड वर्क यू हैव टू वर्क टू. सो वो है मेरे स्टोरी. पहले बार हिंदी में कैसा लगा मेरे को बोलो कमेंट्स में. आपको अच्छा लगे दिए तो सब्सक्राइब करना, थम्स अप हिट करना मत भूल जाओ एंड शेयर करना भी मत भूल जाओ. एंड दूसरे हिंदी वीडियो में मिलेंगे. अंटिल देन, बाय बाय.